भारतीय राष्ट्रवादी लोकमत पार्टी ने शनिवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में अपना विलय कर लिया। भारतीय राष्ट्रवादी लोकमत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने सैकड़ों साथियों के साथ रालोसपा में शामिल हो गए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नागमणि, प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी के साथ सत्यम शिवम सुंदरम के संस्थापक और चेयरमैन शंकर सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित सम्राट अशोक जयंती समारोह में रालोसपा नेता शंकर सिंह के साथ भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने की मांग की। सम्राट अशोक ने हिंदुस्तान, जो आज का हिंदुस्तान है, उसकी सीमा से बाहर भी अपने साम्राज्य को फैलाने का काम किया। हम जब उनको याद करना चाहते, उनकी स्मृति को अपने स्मरण में लाना चाहते हैं, तो किसी न किसी रूप में पटना का नाम पाटलिपुत्र करने का काम करना पड़ेगा। यह पुराना प्रस्ताव है, हम पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जा सकता है। ठीक ही कहा कई साथियों ने, जब देश के कई शहरों का नाम बदला जा सकता है, पटना का नाम पाटलिपुत्र क्यों नहीं हो सकता है। पटना का नाम पाटलिपुत्र करने के प्रस्ताव का भी हम समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए उनका प्रयास लगातार जारी है। जो अर्थ लगाना हो लगाए, लेकिन यह कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक या तो शिक्षा में सुधार नहीं कर लेंगे या हम लोगों की सांस बंद नहीं हो जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा साल 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को विस्तार करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में रोज नए नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।